आप सबके बीच में मुझे आने का मौका मिला, आप सबसे मिलने का मौका मिला, आप सबको देखने का, आपके मुस्कुराती चेहरे को देखने का। आपने इतनी देर इंतजार करा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप सबको मेरी बहुत बहुत राम राम, मेरे जय माता जी की, मेरे नमस्कार। एक अपनापन लगता है, एक भाव आता है, जैसे मुझे रोड शो के बाद बताया कि हमारी अगली सभा कार्यकर्ताओं के साथ थी, लेकिन अब उनके साथ ना होकर हमारे राजस्थान के जो प्रवासी राजस्थान ही है उनके साथ ये सभा है, तो एक अपनापन महसूस होता है। उसके लिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। देखिए, आप सबने मेहनत करी, आप सबने एक संकल्प लिया, चाहे आपकी पीढ़ी ने, चाहे आपसे पहले पीढ़ी ने, अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर व्यापार करना या कोई काम करना, बिजनेस शुरू करना या कोई इंडस्ट्री शुरू करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन आप निकले राजस्थान से बाहर, आपने अपने लिए स्थान बनाया, आपने अपना स्थान बनाकर दिल्ली के अंदर जो अपने श्रेय से, अपनी मेहनत से दिल्ली के अंदर जो आप यहां बढ़ोतरी कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आपका परिचय होता है यहां पर, उस परिचय के बाद यह भी होता होगा कि आप राजस्थान से हैं, होता है नहीं होता? ये इसीलिए आप राजस्थान के एम्बेसडर हैं। आप राजस्थान, आपका परिचय, आपकी पहचान, आपका व्यवहार राजस्थान का व्यवहार बन जाता है। जो लोग राजस्थान से परिचित नहीं है, केवल आपसे परिचित हैं और आपसे बहुत खुश रहते हो, वो अपने आप राजस्थान से खुश होंगे, क्योंकि आपका और राजस्थान का तालमेल एक हो जाता है। मैं जब शूटिंग के लिए जाता था, यूरोप जाता था, अमेरिका जाता था, वहां जब कोई हिंदुस्तानी मिलता था, भारतीय मिलता था, तो दिल खुश हो जाता था। उसके बाद कोई राजस्थानी मिल जाता था तो और भी खुश हो जाता था। साधारण सी बात, ये एक अपनापन होता है। आप अपने परिवार के लिए मातृशक्ति यहां बैठी, हो सकता है आप काम भी करते हो, व्यापार में काम हाथ बटाते हो सकता है, परिवार के पालन पोषण के अंदर अपना पूरा मेहनत लगाते हो, लेकिन आपका ये ध्येय रहता है, आपका लक्ष्य रहता है कि आपने जितनी मेहनत करी है, आपने जितनी प्रगति करी है, आपसे कहीं ज्यादा आपके आने वाली पीढ़ी आगे निकल जाए, शिक्षा में अच्छे हो, पढ़ाई अच्छी करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, उनको एक अच्छा जीवन मिले, और उसके लिए आप मेहनत करते हैं। आप व्यापार जरूर करते हैं, लेकिन उसके लिए उसमें एक मंशा रहती है आपका कुछ क्रिएट करने की, केवल पैसे कमाना नहीं। जब पैसे आप कमाते हैं, उस पैसे को वापस व्यापार में लगा देते हैं। आपका यह मन रहता है कि कुछ मैं ऐसा करूं जिससे मैं ही नहीं, 10-12 सौ परिवार भी और आगे पले, आपसे इकोनॉमी बनती है। जब देश 11वें स्थान से जब 5वें स्थान पर आता है, प्रधानमंत्री मोदी जी जब कहते हैं कि हम 5वें स्थान पर आ गए, हमने अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया आर्थिक शक्ति में, तो उसमें आपका श्रेय है। आप टैक्स देते हैं, आप पूरी ईमानदारी से सब काम करते हैं, यहां जितने लोग हैं सब कानून को का पालन करने वाले लोग हैं। भारतीय होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आप अपना कर्तव्य निभाते आए हैं, मैं इसलिए भी आप सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे याद है वो समय जब हम कभी व्यापार के लिए कभी दूसरे देश से कभी बात करते थे तो झिझकते थे, अंग्रेजी बोलता था अगला व्यक्ति, हमें लगता था अब क्या करें, हमने टाई टाई ठीक करते थे कि हम भी थोड़ी सी अंग्रेजी बोले। दूसरे देश में जाते थे तो पहले थोड़े से घबराते थे कि इनका ये रहन सहन, हम कैसे इनके व्यवहार में पल। आज मात्र 10 साल के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है भारतीयों के अंदर, एक भरोसा आ गया है। आज हमें अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं, ये नहीं कह रहा कि अंग्रेजी खराब है, हर भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन आज जो कॉन्फिडेंस आ गया है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आज उस कॉन्फिडेंस से हम दुनिया हमारे साथ बिजनेस करना चाहती है, दुनिया हमारा हाथ थामना चाहती है। आज जब जो विकसित राष्ट्र अपने आप को कहते हैं, जब उनके प्रधानमंत्री या उनके राष्ट्रपति हाथ मिलाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, तो वो भारत से हाथ मिलाना चाहते हैं। जब वो कहते हैं प्रधानमंत्री को कि ही इज द बॉस, तो भारत का बॉस बोल रहे हैं। आज ये भारत की ताकत बन गई।
ये फर्क मात्र 10 साल में आया है। और मुझे तो हमेशा ये लगता था, आपको भी लगता होगा, कई बार ये महसूस होता होगा, यार हम इतने ताकतवर हैं, ये भारत को इतना कमजोर क्यों समझते हैं। जब हम इतने मजबूत हैं तो भारत का प्रधानमंत्री उस समय पाकिस्तान गए थे मनमोहन सिंह, उनको देहाती महिला करके बोला, हमें अच्छा नहीं लगा। भले ही कांग्रेस के हो तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री तो देश के हैं, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। आज मुझे आप बताइए, मैं तो चलो भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन मुझे बात बताइए, आज पाकिस्तान की हिम्मत है क्या हमारे देश को ऐसा बोलने की? आज आंख नहीं मिला सकता पाकिस्तान, सर नीचे करके खड़ा है पाकिस्तान। आज भारत इतना आगे निकल गया, इतना मजबूत हो गया है, ये 10 साल में फर्क आया। 10 साल में ये परिवर्तन इसी कारण से आया कि नेतृत्व आज अच्छा हो गया, नेतृत्व आज मजबूत हो गया, लीडरशिप आज मजबूत हो गई है। जैसे हम अपने आप को आईने में देखते हैं और अपने आप को मजबूत पाते हैं, हमारा कॉन्शियंस क्लियर है, हम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जीते हैं, किसी से घबराते नहीं है, कानून का पालन करते हैं, लेकिन हाँ चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हमारे परिवार आगे बढ़े। आज हमारी ही छवि के प्रधानमंत्री इस देश की बागडोर संभाले हुए हैं, ये अच्छा लगता है हमें। घोटाले बंद हो गए, बड़े बड़े जो घोटाले होते थे, आज चोरी चकारी बंद हो गई। आप जो मेहनत से पैसा कमाते हैं और जो टैक्स देते हैं, आज उस टैक्स से किसी गरीब का पेट भर रहा है, हमें अच्छा लगता है। आज उस पैसे से किसी गरीब का घर बन रहा है जिसके पास घर नहीं है, अच्छा लगता है, क्योंकि यही तो एक बड़ा परिवार होता है। तो इस देश दुनिया के अंदर हम कुछ सालों के लिए यहां पर आए हैं, मेहनत करनी चाहिए, खुद को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब आप आपकी पोजीशन पर आ जाए, जब जो बुनियादी जरूरतें हैं, हमारी बुनियादी जरूरतें जब पूरी हो जाती हैं, तो हमें और लोगों का हाथ थाम कर उन्हें आगे खींचना चाहिए, चाहे उनको हम नौकरी देकर करें या कैसे भी। आज ऐसा भारत में देख रहा हूं और इसलिए मुझे गर्व। जब खेलों में हम जाते थे, वीजा लगता था, पासपोर्ट चेक होता था, लाइन में लगना पड़ता था, यूरोप वालों की लाइन अलग होती थी, हमारे को एक अलग लाइन में खड़ा करते थे, और उस लाइन में ही अड़ोसी पड़ोसी ये भी देश होते थे जो अलग अलग तरह से आतंक फैलाते फिरते, उनकी लाइन में खड़ा होना बिल्कुल पसंद नहीं आता था हमारे। आज आप देखिए, आप पढ़िए, आज कितने राष्ट्र बोलते हैं कि भारत को वीजा लगाने की जरूरत नहीं है, आप आइए और यहां पर टूरिस्ट की तरह घूमिए, व्यापार। एक अच्छी इमेज जो भारत की हमेशा से होती थी, आज उसकी पहचान हो रही है, आज उस इमेज को इज्जत मिल रही है, आज हमारा मान सम्मान हो रहा है, आज देश के अंदर लीकेज बंद हो गया, चोरी चकारी बंद हो गई, हर तरह से राष्ट्र मजबूत हो रहा है। आज इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब मुझे बताइए, आप जब टीवी पे देखते थे भारत की सेना अगर कश्मीर में पेट्रोलिंग कर रही है और उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, आप किसी भी घर में बैठे हो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आपको लगता होगा ये क्या हो रहा है। धारा 370 24 घंटे के अंदर समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, पत्थरबाजी सारी बंद हो गई। आज कश्मीरी भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति कश्मीर का वो भी धन्यवाद देता है कि आज हमारा टूरिज्म तो बढ़ा, हमारे बच्चे तो आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर परेशान कोई है तो वो पड़ोसी देश ही है जो आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था, जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे बताइए, धारा 370 जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि कभी हटेगी, आज हट गई, कश्मीर पूरी तरह भारत का हिस्सा बन गया, ये बड़ा काम हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे बताइए, बड़ा काम हुआ ना। अच्छा एक और काम, 550 साल बाद न जाने कितने लोगों ने, आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया होगा, न जाने किस किस तरह की यातनाएं उन्होंने सही होगी, उसके बाद आज बिना किसी खून खराबे के अगर राम मंदिर बनके तैयार हो गया, मुझे बताइए बड़ा काम हुआ या नहीं हुआ। अब मुझे बताइए, लीकेज बंद हो गया, आज गांव गांव तक पैसा पहुंच रहा है, शानदार सड़कें बनके तैयार हो रही हैं, हवाई अड्डे पोर्ट वगैरह बनके तैयार हो रहे हैं, आज साधारण व्यक्ति को यह विश्वास हो रहा है कि मेरे लिए कोई चिंता करता है, धारा 370 खत्म हो गई, राम मंदिर बनके तैयार हो गया, यहां तक कि ट्रिपल तलाक भी हमने बंद कर दिया, मुझे बताइए बड़े काम हुए या नहीं हुए। अच्छा ये सब बड़े काम हुए,
उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं ये तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। तो मन में विश्वास होता है ना कि यार देश जिस दिशा पे चल रहा है बिल्कुल सही दिशा है, देश की बागडोर जिस व्यक्ति के पास है बिल्कुल सही व्यक्ति। अब हम सब तो राजनीति के अंदर उतर नहीं सकते और उतरना भी नहीं चाहिए, नहीं तो व्यापार कौन करेगा, सेना में कौन जाएगा, खेलेगा कौन, पढ़ाएगा कौन। तो ये सब काम के लिए एक सही व्यक्ति चुनने की जिम्मेदारी रहती है। और इसीलिए आज फिर हम 2024 में आए हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, 35 साल बाद मिली जुली सरकारें से जनता त्रस्त होकर थक कर आप सब ने 2014 में एक मजबूत सरकार, मेजॉरिटी सरकार मोदी जी को आपने अवसर दिया, और उसके बाद 2014, 2019 और अब 2024 में बारी। पता है आपको, जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है ना, वो लोगों को पच नहीं रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, कुछ तो लोग हमारे देश के अंदर ही हैं जिनको लग रहा है ये ऐसी राजनीति भी हो सकती थी, उनको ये लीकेज पसंद आता था क्योंकि लीकेज उनके फायदे में होता था, अब उनको ये भी पसंद नहीं आ रहा कि ये लीकेज भी बंद कर दिया, उनको ये पसंद नहीं आ रहा कि दुनिया आज भारत से हाथ मिलाना चाह रही है, अब दूसरे देशों को भी कष्ट हो रहा है। अगर पहले दिक्कत केवल पाकिस्तान की तरफ से रहती थी, आज दिक्कत चाइना को भी हो रही है क्योंकि आर्थिक रूप से भी हम मजबूत होते जा रहे हैं और सैन्य शक्ति से भी हम उस क्षेत्र में मजबूत होते जा रहे हैं जहां उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि टैंक आ जाएंगे। आज भारत के टैंक वहां पहुंच गए हैं जहां आज तक नहीं होते थे, आज भारत की सेना वहां पहुंच गई है जहां आज तक नहीं होती थी, आज पुलिये बन रहे हैं, ऑल वेदर रोड बन रहा है, यानी सर्दी में भी रोड चलती रहती है वहां, बर्फबारी से रुकती नहीं है, दिक्कत हो रही है उनको। ये किस कारण से हो रहा है? क्योंकि मजबूत लीडरशिप, और उस कारण से देश के अंदर भी देश के बाहर भी लोगों को कष्ट हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है, हमें तो गर्व है कि हमारा लोकतंत्र है। हर 5 साल के बाद हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के सामने जाते हैं और मोदी जी ने तो एक नई परंपरा शुरू कर दी, राजनीति में भी परिवर्तन लेकर आ गए। ये वीआईपी वीआईपी सारा बंद हो गया, हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और जनता से आशीर्वाद मांगते हैं। अब 5 साल या मैं कहूं 10 साल से जो मोदी जी, ये सारी बातें जो मैंने बताई आपको, एक तरह से मैं कहता हूं कि आपके लिए, हमारे लिए, देश के लिए मोदी जी दिन रात लड़ रहे हैं, 10 साल से लगातार लड़ रहे हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, भगवान का आशीर्वाद है कि बिल्कुल तंदुरुस्त होकर लड़ रहे हैं। मुझे बताइए अब लड़ने का समय है या नहीं, हम उनके लिए लड़ने को तैयार है या नहीं, मुझे बताइए। अरे हमें लड़ना पड़ेगा, ऐसा व्यक्ति जो आया है जो हमारे लिए लड़ने के तैयार है, उनके लिए आप सब लड़ने के लिए तैयार है क्या? बस यही जरूरत है, एक ऐसा लोकतंत्र हमें चाहिए जिसके अंदर हम सैनिक बन जाएं, हम सेना की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी या जो शहीद व्यक्ति है इस देश के लिए, उनके लिए हम बोले, उनके लिए हम वोट मांगे, उनके लिए लोगों को जो थोड़े भ्रमित हो रखे हैं उनको रास्ते पे लेकर आए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक वो बोलते हैं साहब आरक्षण, ये ना ये स्ट्रैटेजी जो है ये अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी, डिवाइड एंड रूल आपने सुना होगा, बांटो और राज करो। अब इसके अंदर काम तो इनको कुछ करना नहीं पड़ता, भयभीत करो लोगों को, डराओ लोगों को, और डरा कर उनको बोलो कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, तो एक वर्ग आपके साथ आ जाएगा और फिर 33% के अंदर आप सरकार बना लेते, ये इनकी स्ट्रैटेजी रहती। अब ये आरक्षण आरक्षण कर रहे हैं, अगर कभी कोई आपसे बोले तो ये दो बातें आप उनको बताना, अगर आरक्षण इनको इतना प्यारा होता तो कश्मीर के अंदर 63 साल से वाल्मीकि समाज के जो लोग कश्मीर में लाए गए थे, 1957 में वाल्मीकि समाज के लोगों को कश्मीर ले जाया गया था, वो आज तक वो सिर्फ सफाई कर्मचारी ही बन सकते थे और कुछ नहीं, कानूनन कितनी भी पढ़ाई कर लें वो कुछ और बन ही नहीं सकते थे, केवल सफाई कर्मी बन सकते थे।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 हटाकर उनको कश्मीर में अधिकार दिया, रिजर्वेशन उनके। तो हमको मोदी जी ने तो रिजर्वेशन दिए उनको। दूसरी बात आप बताइएगा, अगर रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहता है तो वो ये इंडी अलायंस, ये कांग्रेस वाले करना चाहते हैं, जहां एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन लेकर ये मुसलमानों को देना चाहते हैं। कर्नाटक में इन्होंने ये करा, आंध्र में इन्होंने ये करा, ये पूरे देश में करना चाहते हैं, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, क्योंकि अगर मुसलमानों को भला करना चाहते तो ट्रिपल तलाक ये खुद हटाते, इन्होंने नहीं हटाया, हमने हटाया। और हम रिजर्वेशन के अंदर कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर कि जैसा संविधान है वैसा ही संविधान में काम होगा। तो ये भयभीत करना चाहते हैं, ये भयभीत करना चाहते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी। ये छेड़छाड़ तो खुद करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 1975 में जब अलाहाबाद कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी उनके परिवार की जो उस समय प्रधानमंत्री थी उनका इलेक्शन निरस्त हो जाए, तो इन्होंने संविधान बदल दिया। 7 अगस्त को इन्होंने संविधान के अंदर इन्होंने कानून पारित करा, 7 अगस्त को लोकसभा में कानून पारित करा, 8 अगस्त को इन्होंने राज्यसभा के अंदर वो कानून पारित करा, 9 अगस्त को 16 राज्यों के अंदर वो कानून पारित करा, 10 अगस्त को इन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन निकाला संडे को, और वो कानून को, उस बिल को कानून बना दिया। 11 अगस्त को हियरिंग थी, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी इंदिरा गांधी की, वो हियरिंग ही निरस्त हो गई क्यों, इन्होंने कानून बदल दिया। ये होता है खिलवाड़ जो इन्होंने करा। जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो यूपी की सरकार को निरस्त कर दिया। यूपी की सरकार के साथ साथ 4 और सरकारों को, दूसरे राज्यों की सरकार, क्योंकि भाजपा की सरकार थी, निरस्त कर दिया। मुझे बताइए ये संविधान के साथ खिलवाड़ है क्या? खिलवाड़ है या नहीं? ये करते हैं। तो इनके हाथ जब सरकार आती है ये हर तरह से उसको मिसयूज करते हैं, और ये आज दोष हमारे ऊपर लगा रहे हैं। मोटा मोटा ये बात है कि सारे लोग जो एक साथ कभी बैठते नहीं थे, एक सोच नहीं थी, एक विचार नहीं था, आज ये एक छतरी के नीचे केवल इसलिए आ गए क्योंकि इनका खुद का अस्तित्व आज खत्म होने वाला है, और इनका अस्तित्व खत्म करेगी जनता, ये देश अस्तित्व खत्म करेगा इनका। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस देश को मजबूत करने के लिए जो आप सब मेहनत कर रहे हैं, वैसी ही मेहनत प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं अपनी सरकार से। मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपने राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनाई है मात्र 100 दिन के अंदर। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, मात्र 100 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है आपका। कोई ना कोई गांव वहां आप जाते ही हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, छुट्टियों में जाते होंगे, आप कहीं ना कहीं जिस गांव से हैं वहां पानी की समस्या होगी, और पिछले 5 साल से समस्या थी। मोदी जी ने पैसे भी दिए 30,000 करोड़ वहां पर घर घर पीने का पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको पूरा नहीं करा। केवल इसलिए पूरा नहीं करा कि मोदी जी की वाह वाह हो जाएगी। 100 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है कि राजस्थान के 21 जिलों के अंदर राजस्थान की 80% आबादी को पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिलेगा। 1,00,000 करोड़ की योजना तैयार हुई है, और वो 1,00,000 करोड़ की योजना के अंदर चंबल का पानी मध्य प्रदेश से राजस्थान में आएगा, नदी से नदी जुड़ने का काम होगा, हरियाणा से यमुना का पानी राजस्थान में आएगा, और इन्हीं 5 साल के अंदर आप देखेगा जितनी झीलें हैं, जितने ताल हैं, वो पानी से लबालब भरे हुए होंगे। जमीन का जो पानी है वो ऊपर आएगा, पीने का पानी घर घर नल से पहुंचेगा, ये इसी 5 साल में आप देखिएगा। जो पेपर लीक हो रहे थे वो पिछले तीन महीने के अंदर 3 बार पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इच्छा होनी चाहिए काम करने की, ईमानदारी होनी चाहिए काम करने की। मेरे पास कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, आप सब उससे जुड़े हुए हैं, मेरे पास आईटी भी है, कम्युनिकेशन भी है, अगर कोई डिजिटल उद्योग से जुड़ा हुआ है
मेरे पास खेल भी है, स्किल डेवलपमेंट भी है, मेरे पास मिलिट्री अफेयर्स भी है। मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं, राजस्थान के अंदर आपका जानने वाला कोई भी व्यवसायी, कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई लाल फीताशाही नहीं होगी, उसका काम फटाफट होगा वहां राजस्थान के अंदर आपका। कोई गोरख धंधा नहीं होगा, कोई किसी से पैसे नहीं मांगेगा, और पैसे मांगेगा तो उल्टा लटकाएंगे उसको, हर तरह से जवा के काम होगा, शानदार काम होगा राजस्थान के अंदर। पिछले कई सालों से जो राजस्थान पिछड़ा हुआ था, इन 5 सालों के अंदर राजस्थान, आपके राजस्थान को हम सबसे अव्वल प्रदेशों के अंदर बनाएंगे, और ये डबल इंजन सरकार से होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी पानी लेकर आ रहे हैं, नदी से नदी जोड़ रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। पिछले 100 दिन के अंदर 1.5 लाख करोड़ का MOU हुआ है PSUs के साथ, सरकारी संस्थानों के साथ, सोलर ऊर्जा लगाने के लिए। राजस्थान में इतनी क्षमता है कि सोलर ऊर्जा से इतनी बिजली हम पैदा कर सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जो घर हैं, उनके लिए भी पर्याप्त हो, और हम दूसरे प्रदेशों को भी बिजली दे सकते हैं, हम इतनी बिजली बना सकते हैं। पानी की समस्या खत्म हो रही है, बिजली की समस्या का समाधान हो रहा है। हमारे युवा, चाहे लड़के हो लड़की हो, काम करने को तैयार है। हमें उनके लिए काम वहां पे लाना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज को लाना पड़ेगा, वही काम करेंगे। तो हर तरह से राजस्थान तैयार है आगे बढ़ने के लिए, आप सबका आशीर्वाद है। अब पूरे देश के अंदर जो डबल इंजन की सरकार बननी है, ये जिम्मेदारी आपके पास है। हमें, मेरा आग्रह है कि आप इस जिम्मेदारी को पूरा करें। मेरा आग्रह है कि आप मजबूती से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लड़ने को तैयार हो, बोलने के लिए तैयार हो, वोट की मांगने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि हमें इस बार फिर से मोदी सरकार को बनाना है, ताकि देश और दुनिया के अंदर हमारा भारत मजबूत हो। ये भारत के अंदर परिवर्तन बहुत बड़ा आया है, पिछले 10 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमारी मातृशक्ति मजबूत हो रही है, हर तरह से आगे बढ़ रही है, उन्हें अवसर मिल रहा है इस देश में हर जिम्मेदारी संभालने का। हमारी सैन्य शक्ति मजबूत हो रही है, हमारा किसान वर्ग मजबूत हो रहा है, हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अब हमारे युवाओं के लिए केवल भारत की बाउंड्री सीमा नहीं, दुनिया इंतजार कर रही है हमारे युवाओं का, हर देश इंतजार कर रहा है, हमें हमारे युवाओं को तैयार कर रहा है। हर तरह से आज भारत तैयार है तेज गति से आगे बढ़ने के लिए, इंतजार है तो केवल जनता के आशीर्वाद का इंतजार है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष मल्होत्रा जी, ये आपके प्रत्याशी है यहां से। हम मोदी जी की तो बात करते हैं, लेकिन मोदी जी को मजबूत कैसे करेंगे? हर्ष मल्होत्रा जी को जिताकर। आप अपने अपने बूथ से उनको जिताएंगे तो अपने आप हर बूथ से जीत होगी। आप उसके लिए तैयार है क्या सबके सब? हर्ष मल्होत्रा जी आपके प्रत्याशी हैं, प्रचंड जीत से जिताना है, यह आप सबकी जिम्मेदारी है। बोलो, तैयार हो आप सब? आप इसके लिए तैयार हो? भारत को हम मजबूत करने के लिए तैयार है, ये हमारा संकल्प है। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर आपने इंतजार करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान को मजबूत बनाएंगे, भारत को मजबूत बनाएंगे, आपके परिवार को मजबूत बनाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका।